मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज क्यों ज्वाइन नहीं हुए सब? चलो तो फिर शुरू करते हैं हम। वेट, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा कल से दफ़ा तब स्टार्ट करेंगे हम अभी। जो नोट्स है मैंने आपको कल नहीं सेंड किया क्योंकि मेरा दूसरे लैपटॉप में है और मेरे पास वो नहीं है अभी भी, इसलिए मैंने सेंड नहीं किया। बट आज मैं आपको जो भी कल के हमारे जो नोट्स थे उसके साथ वो सब कुछ सेंड कर दूंगा। बट जब हम यहाँ पे कोड करते हैं तब आपको भी काम थोड़ा बनता है कि कम से कम स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा या फिर मोबाइल से जुड़ लीजिए, मोबाइल से फोटो निकाल लीजिएगा। होगा क्या कि आपको भी समझ में आएगा। मैं आज आपको सेंड कर दूंगा पूरा जितना भी नोट्स था और जो भी कुछ चीजें थी वो। ठीक है, तो फिर हम बढ़ेंगे आगे। आज हम ज्यादा कुछ नहीं, आज हम कुछ पास, ब्रेक, कंटिन्यू, ये तीन मेथड देख लेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर दो। सबको यूज करने के लिए आ रहा होगा मे बी, तो कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर पूछते जाइएगा, यानी कि समय समय पे तो प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा, आप पूछेंगे ही नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू। ओके, तो फिर देखिएगा ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है। ब्रेक इसका मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है। ओके, ब्रेक यानी कि क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। ओके, जहां पे हम ब्रेक मारते हैं वहां पे हमारा स्टॉप हो जाता है, बाइक हो या फिर कुछ भी हो, उसी प्रकार से ब्रेक काम करता है। तो फिर ब्रेक कैसे काम करता है देखिएगा। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू जंप आउट ऑफ लूप टू प्रोसेस द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। क्या बोलता है, जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये जंप करता है डायरेक्टली हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाने के लिए। ठीक है, तो फिर एक देखिएगा प्रोग्राम, इसका अगर हम सोर्स कोड लिखने के लिए जाए तो फिर इसका मेथडोलॉजी क्या होगा। ये देखो व्हाइल कंडीशन। ओके, यानी पे यहाँ पे मान लीजिए कि कंडीशन दी है इफ कंडीशन ब्रेक। ओके, हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप नहीं लिया मुझे लग रहा है, मुझे देखना पड़ेगा, व्हाइल नहीं लिया शायद हमने, फॉर लूप लिया है ना, वही लेना बाकी है हमारा, हम ले लेंगे समय आने पे। ठीक है, यानी कि अगर आप कौन सा भी इफ कंडीशन या फिर कुछ फंक्शन लिखते हो क्लास, तो फिर आप यहाँ पे अगर ब्रेक लिख दो उसके इंडेंटेशन के, देखिए यहाँ पे डबल कॉलन है, यानी कि इसका यहाँ पे कॉलन है, इस यहाँ पे इंडेंटेशन आता है, यानी कि यहाँ पे चार स्पेस, यानी कि वन टैब यहाँ पे छूटा है। मैंने आपको इसका पूरा कंसेप्ट बता दिया है, यहाँ के चार और यहाँ के चार, यानी कि यहाँ पे आठ स्पेसेस, यानी कि दो टैब, यहाँ पे इफ के जगह पे चार, इंडेंटेशन मेंटेन कर रहा है। अगर हम यहाँ पे इंडेंटेशन मेंटेन करते हुए अगर ब्रेक ऐसा लिख दे तो फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये कुछ भी रन ना करते हुए पास कर देगा और नीचे का जो भी रेस्ट ऑफ द कोड है ये दिखा देगा। ठीक है, अगर मैं इसका आपको अगर एग्जाम्पल दिखा दू, बहुत ही यानी कि जैसे कि ब्रेक जो है, अगर हम किसी भी फॉर लूप हो या फिर व्हाइल लूप हो, इफ हो, सॉरी फंक्शन में अगर हम यूज करेंगे तो फिर उसका क्या हो जाएगा हमें कि वहां पे ब्रेक करके देगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, वेट वेट, हम यहाँ पे लिख देंगे कि एक फाइल नहीं करनी पड़ेगी हमें, वहां पे लिखना पड़ेगा ब्रेक और पीवाई, और यहाँ पे कमेंट कर दूंगा एक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट कन्हाई, डोंट ठीक है, तो फिर ब्रेक स्टेटमेंट हमने लिख दिया है यहाँ पे। देखो कन्हाई लेट आया तो फिर मैं इसको बता दूँ। देखो कन्हाई ब्रेक क्या होता है, हम ब्रेक फंक्शन पे ब्रेक
स्टेटमेंट यानी कि ब्रेक एक हमारा यूजिंग में होता है उस पर काम करे। ब्रेक इसका मतलब कि आप सब देखिएगा, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू जंप आउट ऑफ लूप टू प्रोसेस द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। ओके व्हाइल यानी कि जैसे कि हमारा ब्रेक होता है, हम जैसे गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं हमारी गाड़ी स्टॉप हो जाती है, यानी कि जब जहां पे भी हम ब्रेक लगाते हैं या क्या क्या करते हैं डायरेक्ट हमारे नेक्स्ट यानी कि हमारा डायरेक्ट नेक्स्ट लूप पकड़ लेता है। जहां पे हमने ब्रेक लगा दिया वो नहीं चलेगा, डायरेक्ट वो नेक्स्ट मूव करेगा। ओके इस प्रकार से हमारा ये जो ब्रेक है ये चलेगा। अगर मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे फॉर आई, ओके कमेंट में मैं लिख रहा हूँ, कमेंट में नहीं लिख रहा, फॉर आई। अभी अभी हमारा ये नहीं हुआ अभी तक, क्या बोलते हैं उसको, व्हाइल लूप मुझे तो नहीं लग रहा, फॉर हो गया है। ओके और यहाँ पे अगर हम लिख दे, अब सिर्फ आपका अभी तो फोकस सिर्फ इस पे रहना चाहिए कि हमें ब्रेक का यूज करना है। ओके उससे ज्यादा अभी तो यहाँ पे कुछ कंडीशन लिख रहा हूँ। ओके अगर मान लीजिए 5, ठीक है, इफ हमने रेंज का तो पढ़ लिया है। ओके ब्रेक, अब मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, देखिए मेरा कोई एरर भी नहीं दिखा रहा। अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया तो फिर मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ अगर कुछ होता है या फिर नहीं या फिर कुछ एरर देता है। जैसे कि मेरा अभी पी वाई ब्रेक डॉट पी वाई, ये देखिएगा ये क्या बोल रहा है, अभी कुछ तो अलग बोल रहा है पाइथन सी, ये ढूंढ नहीं पा रहा शायद ब्रेक डॉट पी आर ई ए के बी आर ई ए के डॉट पी वाई। ओके ठीक है, अब मैं यहाँ पे और कुछ तो करूंगा, जैसे कि देखूंगा कि ये कुछ करता है या नहीं। जैसे कि मैं ओके अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, एक बार यहाँ पे लिख तो देता हूँ ना, प्रिंट आई, जैसे कि हम करेंगे कुछ तो यहाँ पे, अब देखेंगे इसका कुछ मतलब होता है या नहीं। अभी भी हमारी कुछ तो ब्रेक जो है हमने कहाँ पे सेट किया है, यहाँ पे ही किया है तो फिर इसको प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। क्या बोला, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। ओके काम करते हैं इसके लिए, आपको पता है नो सच फाइल और डायरेक्टरी इसका डायरेक्टरी इसका मतलब क्या होता है कि हम उस फाइल में नहीं है या फिर हम उस फोल्डर में नहीं है ऐसा बोलता है, बट हमने वैसे तो कुछ फोल्डर नहीं बनाए। क्योंकि मेरे यहाँ पे क्या हो गया है कि पूरे जो फाइल्स है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी ठीक है, तो फिर हमारा एरर ही दे रहा है क्योंकि ये पूरा फाइल्स यहाँ पे आके लटक गया है। ठीक है होने दो, बी आर ई ए के ओके, एक एक स्पेस है, एक ये देखिए एक गलती क्या है मेरी, यहाँ पे देख सकते हैं आप एक स्पेस जो है ना, इसने मैंने यहाँ पे एक अलग एक एक्स्ट्रा दिया है इसलिए मेरी गलती हो रही है, वही बोल रहा हूँ मैं, कुछ तो हो रहा है। ये देखिए ऐसी गलती हो सकती है जैसे कि हम भी घबरा जा सकते हैं, ठीक है ये देखिएगा। ओके अब यहाँ पे क्या करेगा, ओके तो फिर हमने क्या किया, इफ आई इक्वल इक्वल तो फिर एक सेकंड ये ठीक रहेगा। हाँ अब एक काम करता हूं, मैं इस यस को सबसे पहले तो हटा देता हूं और अब इसको रन करता हूं। देखिएगा मेरा कुछ भी कोड नहीं रन हो रहा, यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अगर अगर मैं आपको एक दिखा दूं कि अब यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब क्या, हमें ना ही कुछ एरर। अब मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे कुछ तो लिखता हूँ, प्रिंट ब्रेक के हमारे बहुत सारे यूज है, बट मैं आपको टाइम टाइम में बता दूंगा, देखिए और कुछ जगह पे हम यूज कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द कोड। यानी कि क्या करता है हमें ब्रेक, एक तो एरर भी नहीं देता कि आपने कुछ तो लिखा है और छोड़ दिया, देखिएगा रेस्ट ऑफ द कोड। ओके
यानी कि हमें क्या करता है ये कि हमें ऐसा भी नहीं रहता कि चलो आपने कुछ भी नहीं लिखा, या फिर जैसे कि हम इससे पहले कुछ भी लिखते तो फिर हमें वो एक क्या करता था, हमें प्रॉब्लम देता था कि भाई ये नहीं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे ब्रेक लिखा है मैंने, ओके, यहाँ पे काम करते हैं। हमने क्या किया है, ये जो हमारा इफ जो फॉर के अंदर है, हमने उसको अभी एक ब्रेक लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे बाहर प्रिंट कर दूँ जैसे कि अभी किया था, ओके आए, फिर अब देखेंगे कि ये हमें क्या देता है। देखिएगा 0 1 2 3 4, यानी कि जहां तक हमारा ब्रेक है ओके, वहां तक ये ब्रेक का यूज करेगा। अगर मान लीजिएगा कि मैंने अभी अभी ये फॉर लूप पे है हमारे, अगर मैं इसको एक बार देखेंगे हम इसको टैप करके इसके अंदर, ये देखिएगा तो मैच ही नहीं हो रहा, बट फिर भी हम एक बार रन तो करेंगे। ये देखिएगा क्या हो रहा है, रेस्ट ऑफ द कोड हो रहा है, कंडीशन अप्लाई हो रही है बट इसके अंदर चलेगा नहीं। जब हाँ ब्रेक आप यूज करोगे तब आपका, और एक है हमारे पास और कंटिन्यू, ये भी देखेंगे। इससे होता क्या है, कभी कभी आप बहुत सारा कोड लिखते हो ओके, तो फिर आपको कुछ कोड वहां पे छोड़ना पड़ता है, फिर ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक इसका मतलब क्या, वहां पे स्टॉप करके आप आगे बढ़ना पड़ता है। वैसे ही सेम जैसे कि अब हम यहाँ पे देखें, इसकी स्टेटमेंट सिर्फ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि आपको पूछ सकते हैं कोई भी। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू जंप आउट ऑफ लूप टू प्रोसेस द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम, यानी कि आपके लिए मदद करता है कुछ बिना एरर गलती देते हुए आपको आगे बढ़ने के लिए ओके। और यहाँ पे हम कुछ अगर मान लीजिएगा कंटिन्यू क्या होता है, देखिएगा कंटिन्यू स्टेटमेंट, देखिएगा कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इन अ लूप टू गो बैक इन द बिगिनिंग ऑफ द लूप, यानी कि इसका थोड़ा सा अलग पार्ट यानी कि कंटिन्यू होता है ओके। जैसे कि ओके, इसका भी हम एग्जांपल देख लेंगे अभी, सेम इसी तरीके से देख लेंगे। मैं इसको एक बार उठा के यहाँ पे रख दूंगा क्योंकि यही, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऐसा चीज नहीं है। इसको हम पीछे कर देंगे क्योंकि ये इफ वाले लूप में चलना चाहिए, हमारे ये फॉर में चलना चाहिए, कर देंगे सेव, कर देंगे कॉपी, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट ठीक है, ओके। तो फिर अभी हमें क्या करना है, मुझे एक सेकंड, मुझे एक बार देखने दीजिएगा। आई इक्वल इक्वल, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ब्रेक की जगह पे हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ कंटिन्यू यूज करने वाले हैं। देखिए कंटिन्यू मेरा यहाँ पे आ रहा है ओके, और एक सेकंड एक बार हम रन करके देखेंगे, अभी भी ये क्या आ रहा है, रेस्ट ऑफ द कोड आ रहा है ओके। हाँ ये चलेगा। अब ये देखिएगा दोनों का भी उतना कुछ क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस या फिर डिफरेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे रन करूँ, ये देखिएगा ये देखिएगा, इसका जो कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट है ये पूरा चल रहा है ओके। अब ये क्या करेगा, ये जो है कंटिन्यू यानी कि यहाँ पे ये स्टॉप नहीं करेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर आप देख पाओगे हमारे ब्रेक स्टेटमेंट में क्या कर रहा था, हमारा जो डायरेक्ट है ये फॉर लूप चल रहा था, बट यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे ये मेथड ब्रेक कर रहा था हमारी। और यहाँ पे अगर देख पाओगे यानी सॉरी आई इक्वल इक्वल 5 ओके। अगर आप एक सेकंड, मैं इसको कमेंट कर दूंगा, वेट कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, आपका काम होगा एक कमेंट हटाना, अगर मैं कोड में से नहीं हटा गया तो आपको आना चाहिए, इसमें इतनी भी कुछ बात तो नहीं होगी ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए मेथड देखिएगा, हमें जब रियल प्रोग्राम में यूज पड़ेगा, अभी कहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं तो फिर तब हम इसका यूज करेंगे। अब ये क्या कर रहा है, हमें हमारा जो ऊपर वाला जो फंक्शन है यानी कि ये इसको क्या कर रहे हैं भाई, कंटिन्यू कर दो आप यहाँ पे, इसको रुकाओ मत, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हमारा क्या है 0 1 2 3 4 5 6, यानी पूरा ये चल रहा है ओके। यहाँ पे ब्रेक हो रहा था हमारा और यहाँ पे पूरा चल रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ हमारा कौन सा चल रहा है, ये जो रेंज वाला है ना हमारा, ए फॉर रेंज, ये चल फाइव स्किप हो रहा है। क्या हो रहा है,
फाइव नहीं आ रहा है। हाँ फाइव, 1 2 3 यस यस, फाइव नहीं आ रहा। बट ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी ये जो था इससे पहले का ये जो फंक्शन था, यानी कहाँ पे ब्रेक हो रहा था हमारा, अगर ऊपर का आप देख पाओगे, फाइव पे, फाइव फाइव तक ब्रेक हो रहा आता। था। ओके, और यहाँ पे क्या करता है हमारा, एक मैं आपको ऐसे में ऐसे समझा दूंगा। अगर मान लीजिएगा मेरा आई इक्वल इक्वल फाइव था, जैसे कि ऊपर था, ओके, और यहाँ पे 1 2 3 4, ओके, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, फाइव पे ब्रेक हो गया। सेम नेक्स्ट नेक्स्ट जगह पे क्या होगा हमारा, अब देखिएगा 1 2 3 4, अब ये क्या करेगा, जो हमारा फाइव है वहां पे क्या करेगा, उसको आई इक्वल इक्वल फाइव कंटिन्यू लिखा है यहाँ पे, यानी कि इसको क्या करेगा, छोड़ के 6 7 8 9, यानी कि जैसे कि मान लीजिएगा आप कुछ यूज करते हो, बट आपको यहाँ पे कुछ तो अलग लग रहा है, या फिर कुछ तो गलती हो, आप क्या बोलोगे, अरे ठीक है यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर दो, बट ये पूरा प्रोसेस चलेगा सिर्फ इससे छोड़ के। ओके ठीक है, तो फिर ये कुछ बेसिक है, बहुत ही चीजें नॉर्मल है, समझ पाओगे आप, उसमें कुछ उतना बड़ी बात तो नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या करेगा हमारा, 0 1 2 3 4 6 7 8 9, और यहाँ पे अब नीचे देखिएगा, ये देखिएगा 0 1 2 3 4 6 7 8, ओके, और यहाँ पे एक सेकंड, मुझे फिर से कोड रन करना पड़ेगा। ये देखिएगा मेरा अलग ही आ रहा था कुछ तो। हाँ, तो फिर ये क्या है हमारा, एक हो गया ब्रेक, एक हो गया कंटिन्यू, नॉर्मल चीजें हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा पास वाला। सर जहां से ब्रेक खत्म होता है वहीं से कंटिन्यू कंटिन्यू करता है ना। हाँ, ये सिर्फ स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस है, अब एक इसमें और एक पास है, जहां से ब्रेक ब्रेक करता है वहां से कंटिन्यू हमारा कंटिन्यू करता है, इससे कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बट समझ जाएगा। एक बार आपको मैं पास स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं इसको, ये जरा बहुत ही नॉर्मल यूज होता है बट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रेक कंटिन्यू और पास है, तीन ही स्टेटमेंट है जो कि हम यूज करते हैं। देखिए पास देखिएगा क्या करता है, पास स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डू नथिंग, इट कैन बी यूज्ड इनसाइड अ लूप, क्या करता है, इट कैन बी यूज्ड इनसाइड अ लूप और इफ स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट नो ऑपरेशन, पास इज यूजफुल व्हेन वी नीड स्टेटमेंट सिंथेटिकली करेक्ट बट वी डू नॉट वॉन्ट टू। अभी आपको यहाँ पे ज्यादा समझ, ये देखिएगा इफ कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू, पास क्या करेगा, डू नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन, पास क्या करेगा हमारा, कुछ भी ऑपरेशन इसका परफॉर्म नहीं करेगा डायरेक्ट। अगर मान लीजिए हमने एल्स लिखा है, सो ओनली एल्स विल एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन फॉल्स, ये आप समझ लीजिएगा, डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा बाद में। ओके क्या करता है हमारा जो इफ कंडीशन, अगर मान लीजिएगा आपने यहाँ पे कुछ कंडीशन ठीक दी और यहाँ पे पास लिख दिया, तो फिर आपका ये क्या करेगा, कुछ भी ऑपरेशन नहीं डायरेक्टली यहाँ से पास करेगा, और एक तो आपके नेक्स्ट वाले फंक्शन में जाएगा, रेस्ट ऑफ द कोड पे जाएगा, या फिर आपके एल स्टेटमेंट में जाएगा। ओके और ये देखिए इसका कोड, अगर मान लिया हमने यहाँ पे कुछ कंडीशन लिख दी, इफ कंडीशन पास कर दिया स्टेटमेंट और रेस्ट ऑफ द कोड, ओके, ये क्या है क्या नहीं है आपको अभी पता चलेगा, मैं आपको इसका कोड ही करके दिखाता हूँ। हम इसके लिए एक नई फाइल बना देंगे, क्योंकि इसमें ही नहीं लिखेंगे अभी, इसका नाम रख देंगे हम pass.py, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको एकदम, तो मैं CLS कर देता हूँ, और इसका जो है अभी तो कमेंट हटा देता हूँ। अब देखिएगा पास का यूज हम कैसे कर सकते, जैसे कि मान लीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पे हमारी कंडीशन जैसे हमने पहले लिखी थी, इफ जैसे कि 10 इज लेस देन 2, ओके 10 इज लेस देन 2, और यहाँ पे अगर हम पास, यहाँ पे मैं पास लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, ये देखिएगा अब इसमें और एक आप चीज देखिए, अगर मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे और अगर प्रिंट
हेलो ओके। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिएगा, और एक बात समझ लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ से जब एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो फिर डायरेक्ट मैं प्रिंट के नीचे आ रहा है, क्या हो रहा है, प्रिंट के नीचे। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूं, यानी कि देखिए ये अंडरस्टैंड कैसे पांच लिखूं, तो फिर ये क्या कर रहा है, देखिए डायरेक्ट इस इफ के बाहर ही आ रहा है, यानी कि इसे पता चला कि भाई इसको ये पास करना है। ओके, ये भी क्योंकि ये बात आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, एल्स एल्स, अब मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट। ओके, और हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या, रेस्ट ऑफ द कोड, रेस्ट, एक सेकंड, रेस्ट ऑफ द कोड नीचे करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स पार्ट कर देंगे। चलो यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट रेस्ट ऑफ द कोड, क्या हो रहा है तुझे आज, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखेंगे कि क्या होता है, हमें क्या मिल सकता है रिजल्ट, py, और ये पास है, पास डॉट py, ये देखिएगा else part और rest of the code आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे इस प्रकार से कुछ कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, हम सही लिखे गलत लिखे हमें दोनों मेथड, ये देखिएगा आपका ये डायरेक्टली पास हो जा रहा है, आपका ये रुक नहीं रहा, और ये आपका क्या आ रहा है, देखिए अब ये क्या कर रहा है, रेस्ट ऑफ द कोड, रेस्ट ऑफ द कोड कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो क्या किया, एक हम एक यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ओके 10 लेस देन 2 लिखने के बाद देखिएगा क्या आ रहा था, ये देखिए एल्स पार्ट। ओके, एल्स पार्ट है तो फिर ये क्या आ रहा है, हमारा पास भी कर दिया तो भी हमारा सिर्फ एल्स स्टेटमेंट दिखा रहा है, किसके साथ, इसके साथ। अगर मान लीजिएगा कि हमने यहाँ पे सही कर दिया, ठीक है, तो फिर हमारा ये अब क्या करेगा, हमारा ये एल्स पार्ट नहीं दिखा देगा, क्योंकि ये जो है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं, ओके, इफ कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू डू नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन। ओके, यानी कि हमारी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये क्या करेगा, कुछ भी जो भी ऑपरेशन है परफॉर्म नहीं करेगा हमारा, ठीक है। अगर मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे गलत दे दी, ओके, तो फिर क्या करेगा, ये एल्स पार्ट दिखा देगा और रेस्ट ऑफ द कोड दिखा देगा, ठीक है। और अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे लेस देन, बट ठीक है यार, इतना ही समझ लीजिएगा, सिर्फ ये कुछ चीजें है कि आपको जाननी जरूरी है, जैसे कि ये पास्ट पास्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डू नथिंग, कुछ भी नहीं करने के लिए पास्ट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, इट कैन बी यूज्ड इनसाइड अ लूप और इफ स्टेटमेंट और फंक्शन में, और बाकी हम जहाँ, हाँ, फंक्शन में भी हम यूज, अभी आपका तो फंक्शन नहीं हुआ तो मैं आपको फंक्शन में भी दिखा देता, जैसे कि हम फंक्शन में ऐसा कुछ फंक्शन लिखते हैं, टेफ यहाँ पे स्टूडेंट नाम का फंक्शन लिख दिया, ओके, और यहाँ पे कुछ मान लीजिए मैंने रिक्वेस्ट कर दी, अब दिखा रहा हूँ सिर्फ देखिएगा, और यहाँ पे रिटर्न, मैं तो छोड़ दूँ ऐसे भी नहीं, अगर हम यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ पे पास कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें अभी नहीं लिखना होता है, ये इसको पास कर देते और छोड़ देते, लेकिन डायरेक्ट मेरा नेक्स्ट फंक्शन पे जा रहा है, ऐसे कुछ यूज है इसके बेसिक बेसिक। और अब यहाँ की अगर इसके कुछ यूज मिलेंगे, यानी कि अगर हमें आगे लगेगा तो फिर मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल में दिखा दूंगा, बाकी तो आपको सिर्फ एज अ पार्ट इसको सिर्फ मेंशन करना है, और आपको थोड़ा इसके थोड़ा डेफिनेशन वगैरह आपको इसके याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो फिर आज का जो है, हम आज का यहाँ पे ही लेक्चर रख देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि आज ये तीन स्टेटमेंट हमें पढ़ाना था, और मुझे लग रहा है मैंने व्हाइल लूप तो नहीं लिया, हम कल व्हाइल लूप के साथ जाएंगे, ओके। और मैं अभी
मुझे बताइएगा आपका सबका जो पाइथन है और वीएस कोड है वो किसी को कुछ कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। सर ब्रेक और कंटिन्यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जहां से ब्रेक खत्म होता है अगर कंटिन्यू आगे स्टेटमेंट यूज करेंगे तो जहां पे खत्म हुआ है वहां से स्टार्ट होगा ना। कंटिन्यू यानी क्या बोलता है? वेट वेट वेट, ये देखिएगा, ये ब्रेक और कंटिन्यू है। ब्रेक क्या करेगा आपका, ये 5 पे ब्रेक कर देगा, और ये कंटिन्यू क्या करेगा, 5 छोड़ के कंटिन्यू करेगा, यानी कि आई इक्वल इक्वल 5, यानी कि फंक्शन नहीं चलेगा। बट ये क्या करेगा, ये रुकेगा नहीं यहाँ पे, आ ये बोलेगा भाई इसको छोड़ दो आप आगे बढ़ो। कंटिन्यू इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसको लेके आगे बढ़ना है, तो फिर ये लिखने की क्या जरूरत है हमें। कंटिन्यू क्या कर रहा है, चलो आप इसको छोड़ दो और आप आगे बढ़ो, बट यह हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, इस 5 के आगे हमें बढ़ने दे रहा है नहीं। ब्रेक क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बता, अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैंने बता दिया था आपको, एक 1 2 3 4, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 4 की ये क्या कर रहा है, हमें 1 2 3 पूरे 5 से आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा हमें, क्योंकि ये क्या किया है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो फिर ये क्या कर रहा है, फॉर लूप ये चल रहा है कितने तक, सिर्फ 5 तक। ओके, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, चलो मेरा छोड़ दो, ये जो भी है ना हमारा, इतना छोड़ दो, आप यहाँ पे मत रुकिएगा, आप डायरेक्ट क्या करिएगा, आप आगे बढ़िएगा, जैसे कि 1 2 3 4 6 7 8 9, ये कंटिन्यू करेगा, यहाँ पे रुकने नहीं देगा। अब ये क्या बोल रहे हैं हम कि ये हमारा इफ स्टेटमेंट चलना नहीं चाहिए, इसलिए हम कंटिन्यू लगा दिए, बट ये क्या बोल रहा है, ये 5 से आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप यहाँ पे स्टॉप मत कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर, समझ गए। ठीक है, और ठीक है, और मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आपको और ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए आपको कहाँ से और स्टडी, यानी कि कुछ पढ़ते जाइएगा, अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे। ठीक अभी कौन लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है पाइथन का, तो फिर ये भी देख लीजिएगा यहाँ पे। अब देखिएगा कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है डॉक्यूमेंटेशन, तो फिर अब यहाँ पे देखिएगा। और हर बार क्या होता है, जैसे कि कुछ भी नए एप्लीकेशन या फिर कुछ भी नया वाला अगर अपडेट आता है ना, सॉरी एप्लीकेशन अपडेट हर बार नए नए आते हैं, ओके, तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि हर बार, यानी कि मुझे जहां तक पता है 4 5 6 महीने में कौन सा भी हमारी अगर लैंग्वेज है तो फिर अपडेट होती रहती है, कुछ ना कुछ तो नया आता रहता है। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ते जाइएगा, होगा क्या कि आपको भी थोड़ा पता चलेगा कि क्या क्या आ रहा है, आप अपडेट रहेंगे। देखिए कुछ नए फीचर्स आ गए, आपको पता नहीं चलेगा ये नए फीचर्स, बट कम से कम अभी से आपको ये तो ये रहना चाहिए कि हमें क्या क्या यहाँ पे नया। अगर यहाँ पे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं, सिर्फ पढ़ते देखिए की आइटम्स। अभी यहाँ पे देखिएगा, पिप पिप इज द प्रिफेर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। अब मैं आपको पिप का यूज अभी तक नहीं बताया, पिप क्या करने चाहता है हमारे, एक सेकंड, अब देखिएगा आपको यहाँ पे एक बार आप कुछ कुछ इंफॉर्मेशन यूज। देखिएगा, पिप इज अ पैकेज ऑफ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन, दैट मीन्स इट्स टूल दैट अलाउ यू टू इंस्टॉल मैनेज एंड एडिशनल लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंसीज दैट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। यानी कि पिप क्या करता है हमें, जैसे कि हमारे कुछ जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल, हमें कुछ इंस्टॉल करना है। अब मुझे मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इम्पोर्ट, ओके, मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहा हूं। अब अगर मैं यहाँ पे इम्पोर्ट रिक्वेस्ट कर दूं, मेरे पास इंस्टॉल नहीं, मेरे पास अगर मैं यहाँ पे पांडास कर दूं, ठीक है पांडास, ये देखिए मेरा एरर आ रहा है अभी वो। अब और मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे कुछ इंस्टॉल कर दूं पांडास को, ओके, पिप इंस्टॉल पांडास,
ठीक है, अब देखिएगा। ओके पेपर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अब मेरा नया लैपटॉप है तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ, अगर आपका ऐसा देख रहा है, अगर किसी का कर रहा है तो फिर मैं आपको अभी सॉल्यूशन इसका बता देता हूँ कि करना क्या है हमें मेरा। ठीक है तो फिर मैं, अब देखिएगा हम इस पे थोड़ा काम करेंगे आज। आपको पता ही रहना चाहिए कि लैपटॉप में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको कुछ एरर दिखा रहा है फिर आपको क्या करना है, देखेंगे हम यहाँ पे ट्राई करके। आपको आपके पाइथन वाले फाइल में जाना है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, मेरा अभी शो ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके आपका यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिख रहा तो फिर आपको क्या करना है, आपको एक ऐप डेटा में जाना है। आपका ऐप डेटा कहाँ पे होता है? अब ये क्या रहा है, मीडियम आइकॉन। वेट 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 वेट, ये पूरे जो है ना, लिस्ट ठीक रहेगी। ओके और मुझे यहाँ पे कहाँ पे जाना है, ऐप डेटा में जाना है। तो फिर मुझे यहाँ से व्यू से मिल जाता है शो व्यू पैनल नेविगेशन पैन। यार बहुत नया दिया है इस विंडोज 11 ने। अब मुझे कॉम्पैक्ट व्यू, ये क्या है, मुझे मेरे ऐप डेटा में जाना है बट ये हिडन होते हैं जो कि, और वो व्यू में दिखाता है बट यहाँ पे शो नहीं कर रहा। वेट हम ढूंढेंगे इसको एक बार, इसको हटा दूंगा मैं। सॉर्ट में क्या क्या है, नेम ये तो सॉर्ट हो गया। मुझे मेरे हिडन फाइल जो है ना, मुझे वो ढूंढने हैं। एक सेकंड पब्लिक में देखता हूँ एक बार कुछ मिलता है। लिस्ट डिटेल्स टाइल्स शो, शो में क्या क्या है, डिटेल्स पैन। कुछ तो गलत हो रहा है सर, कंट्रोल पैनल से नहीं दिखा है। कहां से? कंट्रोल पैनल से दिखा तो देगा बट ये क्या हो, मुझे यानी नया ही आया है कुछ तो सिस्टम, मैं यही चेक कर रहा हूँ अभी तो। सर विंडोज 11 में एक और प्रॉब्लम होता है, टास्क मैनेजर नहीं खुलता है टास्क बार से। क्या होता है वो, टास्क मैनेजर नहीं खुलता है टास्क बार पर क्लिक करने से। टास्क मैनेजर, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ना टास्क मैनेजर। मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तो ये नहीं किया, क्या बोलते हैं उसका, ज्यादा यूज नहीं किया अभी तो। मैं देख रहा था बट अब देखिए, नहीं नहीं कुछ तो अंदर, क्योंकि मेरा पिप नहीं चला तो मुझे काम ही करना पड़ेगा पिप पे। क्योंकि क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम फाइल्स, मेरा पाइथन तो यहाँ पे ही होगा। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ शायद मैं पाइथन पे ना जा पाऊँ या फिर जा भी पाऊँ। देखिएगा यहाँ पे पाइथन मेरा ये पूरा यहाँ पे कहाँ पे लेके आया मुझे, डाउनलोड में लेके आया शायद, और ये हमारे फाइल्स में लेके आया बट ये हमें, हाँ ये हमें बहुत अंदर लेके आया है बट ये पूरे पाइथन के फाइल लेके आया, इतने फाइल तो हमें नहीं भी चाहिए यार। एक सेकंड, कंट्रोल पैनल से मैंने यहाँ से कभी जा गया नहीं मैं, क्योंकि मुझे पता है वहां तक तो मैं सिर्फ यहाँ से ही जाता हूँ। वेट हमें काम करेंगे, मैं उसको ढूंढ ही लूंगा। ऐप डेटा डेस्कटॉप, क्योंकि जो ओल्ड वाला था ना वहां पे डायरेक्ट वहां पे हमें कुछ देखने के लिए मिल जाता था। डेस्कटॉप से प्रॉपर्टीज पे जाके कर लीजिए ना। हाँ वो तो कर लेंगे यार, तो कुछ रहा एक मिनट। हाँ अब यहाँ पे एक सेकंड, हिडन फाइल्स, ठीक है आ गया। अब यहाँ पे अगर ऐप डेटा में जाओगे और लोकल में मेरे पाइथन की फाइल ढूंढ रहा हूँ, आपको पता रहनी चाहिए कि पाइथन की, यहाँ पे मेरा पिप है, इसके अंदर चला जाऊं तो कैचे है, नहीं यहाँ पे नहीं जाना मुझे, मुझे मेरे पाइथन में जाना। मैं पाइथन ढूंढ रहा हूँ, चेक कीजिएगा मिल जाएगा, कहाँ पे भी नहीं जाएगा वो। मैं आपको बता दूंगा उसकी पाथ क्या होगी क्या नहीं होगी। अब यहाँ पे
एक सेकंड, मैं यहाँ पे अगर अब मैं ऐप डेटा के अंदर आया हूँ तो फिर मुझे मिल जाएगा ये पाइथन हमारा कौन सा 3.10 था शायद। हाँ ये देखिए ये ओके, और ये क्या दिखा रहा है अब मॉड्यूल डॉक्स 64। पाइथन 3.0 लोकल में प्रोग्राम्स में पाइथन है ओके। सबसे डीप में देखेंगे कहाँ पे लोकल प्रोग्राम्स में है, और यहाँ पे लोकल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट वीएस रिसोर्सेस ओके मिल गया मिल गया। दिस पीसी इसके बाद सी में जाना है और उसके बाद यूजर्स में जाना है तो इसके बाद ऐप डेटा उसके बाद लोकल लोकल के बाद लोकल के बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट में जाना था शायद। मिलने के लिए मुझे तकलीफ करेगा क्योंकि मेरा ओल्ड वाला था तो तब तो मैं पटक से ढूंढ। अभी ये एक सबको प्रॉब्लम होता है कि पाथ ढूंढने में थोड़ा, और ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आप फिर से एक प्रोग्राम्स आप क्या करिएगा फिर से जाके वहां पे इंस्टॉल कीजिएगा और वहां के पाथ आप देख लीजिएगा, बट ऐसा नहीं करना। कहाँ पे होता है मैं आपको एक बार अगर आप लिख के भी लोगे तो फिर आपको पता चलेगा, मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे होता है। देखा यूजर्स, अब मेरी जब अभी तो फाइल नहीं थी, मैंने अभी जो हिडन ओपन किया इसके इसके बाद ये फाइल आ गई है। और यहाँ पे देखिएगा यूजर्स है, यूजर्स यानी कि आपका यहाँ पे कुछ भी नाम। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरा नाम है जो कि आपका लैपटॉप का भी नाम हो सकता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे व्यू में आना है और यहाँ पे देखिएगा अगर मैं हिडन ये कर दू तो फिर यहाँ पे सब हिडन हो जाएगा। हिडन पे क्लिक करो तो फिर आपका ऐप डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ऐप डेटा के अंदर जाइएगा, लोकल के अंदर जाइएगा, उसके साथ यहाँ पे प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स के अंदर जाइएगा, उसके बाद ये पाइथन है, पाइथन में जाइएगा, पाइथन 3.10, और यहाँ पे देखिएगा हमें सब कुछ पाइथन का मिल जाता है ठीक है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में मिलेगा पीपी, देखिए स्क्रिप्ट्स में हमारा पिप है। तो फिर मैं क्या करूंगा इसको यहाँ इसके पाथ इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके यहाँ पे एक एनवायरमेंट वेरिएबल नाम का एक होता है, इसके लिए हमें क्या करेगा ये कंट्रोल पैनल में जाते हैं हम, देखिए यहाँ पे हमें कुछ पाथ मिल जाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा पाथ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू कर दूंगा, सॉरी न्यू नहीं एडिट करना पड़ेगा मुझे, पाथ पे क्लिक करके मुझे एडिट करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे न्यू करके यहाँ पे एक पाथ जो कि हमारी पाथ मुझे ऐड करनी पड़ेगी। देखेंगे हम क्योंकि यहाँ से ही काम हो जाता है, इतना ही नहीं क्योंकि इससे आगे भी कभी कभी यहाँ से भी काम नहीं हो जाता ओके। अब मैं इसको करूंगा इंस्टॉल, अभी भी नहीं चल रहा मेरा ठीक है, और मुझे कुछ तो काम करना पड़ेगा जैसे कि और एक काम करूंगा मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट्स को अगर मैं दे दूं अंदर तो चलेगा। मैं एक काम करूंगा स्क्रिप्ट्स को भी मैं यहाँ पे इसको एक बार कॉपी करूंगा और हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल में इसको भी दे दूंगा क्योंकि ये ढूंढ नहीं पाता कभी कभी। पाथ में जाएंगे यहाँ पे एडिट करेंगे, यहाँ पे न्यू में जाएंगे और ओके ओके ठीक है। अब आएंगे यहाँ पे फिर से ओके। अब एक काम करेंगे इसको एक बार क्लोज करेंगे और फिर ऑन करेंगे, क्या करना है मुझे फिर से वीएस कोड ऑन करना है ओके। अब करेंगे इस पे काम, देखिए पांडा अभी भी हमें दिखा नहीं रहा, अब देखेंगे हमारा चलता है या नहीं। pip install pandas अभी भी नहीं दिखा रहा, pip is not recognized for error आता ही आता है, बट नहीं आना चाहिए अब तो, मेरा तो ऐसा मानना था बट ठीक है। मुझे मैंने इस पे अभी तक काम नहीं किया कुछ इस पे, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह नहीं की। और हमें क्या करना पड़ेगा मुझे ढूंढना पड़ेगा, वेट कीजिएगा और देखेंगे कुछ करके जैसे कि मिल जाता है हमें कुछ ओके। यूजर्स यूजर्स के अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐप डेटा
यहाँ पे लोकल और यहाँ पे प्रोग्राम्स, कहाँ पे है हमारा प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स में हमें पाइथन, पाइथन में 310। मुझे लग रहा है कि मुझे स्क्रिप्ट्स में तो मिल जा रहा है ये पिप, तो मुझे लग रहा है कि मुझे एक बात देनी पड़ेगी शायद, वैसे तो जरूरत नहीं थी बट देखेंगे इससे भी कुछ होता है। ईएनवी पाथ डेट और न्यू, और यहाँ पे इसको भी देंगे छोड़। हाँ, और एक हमारा काम जो था मैं अभी जाके देखूंगा वीएस कोड में, अभी भी शायद हो पाए या ना हो पाए, नहीं हो पा रहा। मुझे यहाँ पे व्यू में आना पड़ेगा, कमांड पेटल में आना पड़ेगा, पाइथन सिलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर, ये तो हमारा रहेगा ही। मैं एक बार इसको फिर से ऑफ करूंगा और देखेंगे। अब मेरा नया लैपटॉप है तो फिर मुझे बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ सकती है, देखेंगे कि क्या होता है। अभी तो आपका यहाँ पे काम नहीं है बट मुझे तो समझना चाहिए कि हो जाएगा ये, मैं तो कर दूंगा बट देख रहा हूँ कि मैं अभी तो हो गया तो ठीक है भाई, नहीं हो रहा फिर भी नहीं हो रहा, ये छोड़ दो इसो, मैं इसको कर लाऊंगा और आपको बाद में बता दूंगा। अब मैं दूसरा एक बार कोई पिप इंस्टॉल Django, मेरे ऑलरेडी तो सेटिस्फाइड नहीं बोल सकते। देखिए pip is not recognized as the name cm delete function और ये वो बता तो रहा है ये, और हमने path तो सब ऐड कर दिए हैं जहां तक मुझे लगना चाहिए, और हम इसमें क्या कर सकते हैं। और अगर मैं एक बार और सोच लूं, ये मेरा पूरा सेटअप रहता है, मुझे बहुत सारा सेटअप करना पड़ रहा है अभी तो। हम यहाँ पे विंडोज यूजर्स में जाना है और यहाँ पे ऐप डेटा, इसके अंदर लोकल, और यहाँ ये जो पिप है ना ये दूसरा वाला है। ओके, यहाँ का नहीं, क्योंकि हमें पाइथन के अंदर जाना है, ये भी बात आपको। पाइथन पाइथन 310, और यहाँ पे कुछ मुझे एक बार देखने दीजिएगा, स्क्रिप्ट्स हम दे सकते हैं और हमने यहाँ के भी पाथ दे दिए वैसे देखा जाए तो, और लिब्स के अंदर के हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, इंक्लूड के अंदर की भी देने की कोई जरूरत नहीं है, और डॉक ये किसी, मुझे तो जहां तक पता है यहाँ तक ये तो कुछ भी देने की जरूरत, सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आपका पिप नहीं चल रहा तो फिर आपको ये देना पड़ सकता है, फिर भी अगर हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है देखना पड़ेगा मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि अब बहुत सारा, क्योंकि अभी कुछ भी सेटअप नहीं है मेरे लैपटॉप में और कहाँ कहाँ पे क्या क्या एरर है मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम जब कोडिंग करते हैं तो फिर आपको लैपटॉप, यानी कि मेरा पहला था बहुत सारा सेटअप था, अब कहाँ पे क्या क्या, ये नया क्या क्या है मुझे ये भी पता नहीं है, जो ओल्ड वाला है उसी के हिसाब से हम चल रहे, मुझे देखना पड़ेगा। हम इसका सेटअप करेंगे, मैं आपको कल एक बार दिखा दूंगा कि मैंने सेटअप कैसे कर दिया, कुछ तो शॉर्ट प्रॉब्लम होगा, या फिर मुझे ऐसा भी हो सकता है कि मुझे फिर से वही एडिट जो है मुझे वो फिर से डिलीट करके फिर से शायद इंस्टॉल करना पड़े, यानी कि उसमें एडिट करके मुझे देखना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है बट देखेंगे हम कल उसको, अभी तो आपके लिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हम करेंगे वो कल। और आप थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते जाइएगा। ओके, कहाँ गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन? हाँ ये जो है ना, अब यहाँ पे इंस्टॉलिंग पाइथन मॉड्यूल्स की, नहीं ये नहीं पढ़ना आप, एक सेकंड देखिए, ट्यूटोरियल्स में अब अगर जाओगे ना तो फिर देखिए यहाँ पे कुछ, पाइथन इज एन इजी टू लर्न पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट हैज एफिशिएंट हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर एंड अ सिंपल बट इफेक्टिव अप्रोच टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि ऊप्स वाला कंसेप्ट जो हम आगे लेंगे अभी है हमारा वो, पाइथन एलिगेंट सिंटैक्स एंड डायनामिक टाइपिंग टुगेदर विद इट्स इंटरप्रेटेड नेचर make it an ideal language for scripting and rapid application development in many areas of most platform, yani ki hame jo python jo hai kuch scripts likhne ke liye madad karta hai, jaise ki dynamic bhi kuch hoti hai, aapko dynamic ha hum dekhenge aage kya kya hota hai dynamic mein,
और उसके बारे में मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे कुछ है, अगर आप ये पढ़ोगे तो फिर आपका एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे यूजिंग द पाइथन इंटरप्रेटर, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर आपको इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और नॉलेज बढ़ाते रहिएगा। ये डॉक्यूमेंट क्या है, पाइथन की तरफ से दिए हुए सब डॉक्स है, तो फिर यहाँ से ही सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप इफ स्टेटमेंट में जाओगे तो फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए इफ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज हो गई है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो कि हम पढ़ाते हैं वो क्या है, हम कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट ये जो है यहाँ पे आपको पूरा नॉलेज मिलता है। और जो भी जितने भी बड़े बड़े कंपनी जो भी होते हैं, अपडेट देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, और अपडेट देख के ही पढ़ते हैं। तो सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कि पाइथन भी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे होती है कैसे हो, इसलिए मैं आपको ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हम कल मेरे हिसाब से हम फॉलो हो गया है वाहिल के साथ जाएंगे, और कल मैं आपको और थोड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, मैं आपको आज पूरे नोट्स वगैरह सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके ठीक है, तो फिर आज हम यहाँ पे ही रुकते हैं। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सर। Like, comment, share, subscribe, and press the bell icon, never miss on updates from Shivram Kumar.